हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोशी सैक में। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। यहाँ पर आप सर्च कीजिए 1111, मतलब डबल वन और डबल वन, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए और इसको भी आप रीड करके एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पर ओके करके यहाँ पर आपको कर देना है कनेक्ट। यहाँ पर अभी डिसकनेक्टेड है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। पहले इंस्टॉल VPN प्रोफाइल में या ऑलवेज अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर आपको कनेक्टिंग कर देना है। यहाँ पर कनेक्टिंग हो रही है। अभी अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक न्यू टैब ले लेनी है और यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है viewsync.net viewsync.net और इसको आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट में ये कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो डेस्कटॉप साइड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, वहाँ पर आपको अपनी वीडियो का जो लिंक है और यहाँ पर आपको यूट्यूब में जाकर आपकी जो वीडियो है जो इस पर आपने वॉच टाइम को इंक्रीज करना है उस वीडियो को सेलेक्ट करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके शेयर वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने कॉपी किया, अभी मैं जाऊंगा अपने वेबसाइट में viewsync.net पर, जहाँ पर प्लस का आइकन है, यहाँ पर जाकर आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना है और ऐसे न्यू टैब को। और वैसे ऐसे ही आपको जितनी भी आपको टैब लेनी है तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके जो भी आपने लिंक कॉपी किया था उसको हर एक टैब में पेस्ट करते जाना है। और जहाँ पर मैं जितनी भी चाहूँ उतनी टैब ले सकता हूँ, ये अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग होगा, आपके फ़ोन के कितनी कैपेसिटी है। तो जहाँ पर मैं 10 टैब लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। और गाइस, जहाँ पर आपको जो लिंक मिला था न्यू टैब लेकर, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है वो लिंक। तो ये लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर जो मैंने जितने भी YouTube से लिंक के साथ वीडियो को प्लस किया था वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो धीरे धीरे करके आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग ये ओपन हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मैंने वीडियोस जहाँ पर पेस्ट किए थे वो धीरे धीरे करके वन बाय वन सारी की सारी वीडियो जहाँ पर आ गई है। तो अभी इन वीडियो को आपको प्ले करना है, तो जो YouTube का आइकन बना हुआ है प्ले का, वहाँ पर आप एक एक करके सभी पर क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो प्रोसेसिंग करने लगेगी प्ले होने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पर आप वीडियो पर क्लिक कीजिए और लूप लिखा आ रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने किया वैसे आप भी हर एक वीडियो पर लूप की ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा कि जितनी भी वीडियो होगी अपनी, जब वो एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली वो फिर से दोबारा से प्ले हो जाएंगी। तो एक एक करके सारी की सारी वीडियो को लूप ऑप्शन ऑन कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए वीडियो में मैं क्या क्या कर और भी ऑप्शन। अभी सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाके यहाँ पर जो कम 144 पिक्सल की सेटिंग है उसको ऑन कर दीजिए।
ये भी सेटिंग आपको हर एक वीडियो में करनी है। इससे ये होगा कि आपकी वीडियो जो चलेगी वो उसकी जो इंटरनेट की MB है वो सेविंग होगी। तो आप हर एक वीडियो में इसकी 144 पिक्सल की सेटिंग कर देनी है और हर एक वीडियो को लूप सेट कर देना है। तो ऐसे मैं सारी वीडियो में कर देता हूँ। तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको जितने भी आपने टैबे ली थी उसको लूप भी कर दीजिए और हर एक वीडियो की जो सेटिंग है उसको 144 पिक्सल को सेटिंग कर दीजिए और उसके बाद में आपको प्ले की ऑप्शन आ जाएगी और उसको प्ले कर जहाँ पर आपको वीडियो को प्ले कर देना है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी की सारी प्ले हो रही हैं। तो ये काम आप सेम लैपटॉप में कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। तो यही प्रोसीजर है सारी सभी चीज़ों में। तो इसको आप ऐसे लगाए रखिए जितने भी आपके पास मोबाइल है, ये लिंक सभी में आप पेस्ट करके सभी में वॉइस टाइम सभी से ले सकते हैं। तो इससे आपका वॉइस टाइम जो ड्रॉप नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में पूरा। और गाइस अभी आप मेरे YouTube स्टूडियो में देख सकते हैं कि मेरा जो इस वेबसाइट के साथ जो वॉच टाइम बढ़ा है वो मैंने खुद से बढ़ाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं 743 के है जो वो मैंने खुद से ऐसे इसी वेबसाइट के द्वारा बढ़ाया है। तो अभी आप देखिए मैंने कितनी कितनी तारीख को कितना कितना वॉच टाइम इससे इंक्रीज़ किया है। ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा है आपने तो आप जरूर कर पाएंगे। जैसे ये देख पाएंगे 4 दिसंबर को मैंने 22 घंटे का वॉइस टाइम है जो वो ऐसे ही आपने देखा है कि मैंने हर रोज़ कितने कितने घंटे का वॉइस टाइम है इंक्रीज़ किया है। जहाँ पर मैंने कहाँ पर मैंने कम किया है तो कहीं पर मैंने ज़्यादा किया। तो जो कम भी किया है वो भी आप देख पा रहे हैं, 12 घंटे का मैंने एक दिन में वॉइस टाइम खुद से किया, वो भी अपने मोबाइल के साथ है। यहाँ पर 31.1 घंटे इंक्रीज़ किया है। तो आपने देखा कि मैंने कब से लेकर कब तक कितना कितना वॉइस टाइम है जो इंक्रीज़ किया है। तो जो सारा का सारा वॉइस टाइम जेन्युइन तरीके के साथ मैंने इस वेबसाइट के साथ गेन किया है। तो ऐसे ही आप भी टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो को देखने के बाद आपका वो टाइम भी इंक्रीज़ हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी आप देख पा रहे हैं पिछले 28 दिन में मैंने 160 घंटे का वो टाइम है जो इंक्रीज़ किया है। तो आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए और थैंक यू।